प्रयागराज के कालविन हॉस्पिटल में जांच कराने के दौरान माफिया अतीक अहमद और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है दोनों को पाँच दिनों की रिमांड पर लाया गया था पुलिस उनसे पूछताछ कर रही थी इसी बीच मेडिकल कॉलेज के पास दोनों की हत्या कर दी गई अतीक और अशरफ हत्याकांड में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 302, 307 के तहत एफआईआर दर्ज की है आर्म्स एक्ट की धारा तीन सात पच्चीस सत्ताईस के तहत एफआईआर दर्ज की गई है अतीक और अशरफ को मारने वाले आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी है आरोपी ने पुलिस को कई चुकाने वाली जानकारी दी है आरोपियों का कहना है कि हम अतीत गैंग का सफाया करना चाहते थे हम प्रदेश में अपना नाम कमाना चाहते हैं दोनों को मारने के लिए हम पत्रकार बनकर आए थे हम हत्या करके भाग नहीं पाए इसके साथ ही पूरी यूपी में धारा एक लागू हो चुकी है योगी का अफसरों को निर्देश है कि हर दो घंटे में रिपोर्ट दे देनी चाहिए ऐसे वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद